तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है, यहाँ पे किसी प्रकार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो मैं एक ऐसा कॉलेज बता रहा हूँ जहाँ BSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा। यही वो कॉलेज है जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह स्नातक महाविद्यालय पद्मापुर पांडव नगर बस्ती, और इस कॉलेज का शिलान्यास माननीय राजनाथ सिंह के द्वारा हुआ था सन 2004 में, और यहाँ के प्रबंधक है राम प्रसाद चौधरी जो पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और यहाँ के प्राचार्य हैं डॉक्टर हरिओम श्रीवास्तव सर। तो चलिए हम कॉलेज के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे, तो हमारे साथ हैं एक सर। सर अपना परिचय दीजिए, सर क्या करते हैं आप, कॉलेज के बारे में कुछ बताइए हमको। मेरा नाम डॉक्टर हैदर अली, सस्य विज्ञान विभाग जो है का मैं अध्यापक हूँ यहाँ पे, कितना ही है। देखिए हम इस कॉलेज में 5 साल से कार्यरत हैं, 2018 में हम आए थे और 4 साल से यहाँ पे सस्य विज्ञान विभाग में पढ़ाते हैं हम। और इस कॉलेज के जो है ये बहुत पहले का खुला हुआ कॉलेज है 2004 का, और इसका नींव जो है आदरणीय राम प्रसाद चौधरी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इसका इस क्षेत्र में इसलिए इसको खुलवाया कि ये बहुत ही पिछड़ा इलाका था, और यहाँ पर जो है बहुत ही गरीब लोगों का बस्ती है, पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। धीरे धीरे जो है ये जंगल था पूरा, पहले सबसे पहले ये पूरा जंगल था, उसके बाद यहाँ पे कटाई करवा के यहाँ पे कॉलेज खोला गया ताकि यहाँ के आसपास के लड़के शिक्षा ले सकें। तो सर बताइए यह कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से अटैचमेंट रखता है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर की कैसी पढ़ाई होती है, सेमेस्टर प्रणाली है या एनुअल प्रणाली चलती है, और भी सारी चीज़ें जो हमको बताइए। देखिए दरअसल जो महाविद्यालय है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु से संबंधित है, उससे अटैचमेंट है इसका, और यहाँ पे सेमेस्टर प्रणाली ही है 2019-20 से है, और यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं इस कॉलेज में, हॉस्टल है, कॉलेज देख ही रहे हैं कि हम आपको कॉलेज भी, आप पूरा कॉलेज भी दिखाएंगे और हॉस्टल भी है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। यह सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है और ये मात्र इकलौता कॉलेज जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के अगर देखा जाए महाविद्यालयों में तो सबसे पुराना कॉलेज है, और यहाँ पे जो है रूम और सारा व्यवस्था है, जैसे बहुत बड़ा प्रांगण है इस कॉलेज का, और कॉलेज में लाइब्रेरी की सुविधा है। हाँ लाइब्रेरी की सुविधा है, लाइब्रेरी का में सारी चीज़ अवेलेबल है आपको यहाँ पे। और सर बताइए यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर की फ़ीस क्या है। BSc एग्रीकल्चर की फ़ीस जो है 10 सेमेस्टर पढ़ा ली है, और पर सेमेस्टर का 10,000 रुपये फीस है। तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है, यहाँ पे किसी प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं या किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए नीचे कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको बता दूँगा कि कैसा है इसका प्रोसेस है। तो और सर बताइए BSc एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं। यहाँ पे BSc एजी के अलावा यहाँ BA का भी है कोर्स है, BA है, BEd भी यहाँ से है, और MA भी 2-3 विषय से है, लगभग 3 विषय से। जी सर, तो MA BA BEd भी सेमेस्टर प्रणाली है या एनुअल प्रणाली। नहीं अभी तो BA में सेमेस्टर प्रणाली भी चल रहा है और एनुअल भी चल रहा है, जो BA थर्ड ईयर है जो अभी इस वर्ष तक रहेगा। जहाँ तक BEd की बात है तो BEd तो अभी यहाँ नहीं स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये मान के चलिए कि अगले सत्र में सेमेस्टर प्रणाली हो सकता है। जी, तो जिनको BEd भी करना होगा तो अगले सत्र से यहाँ BEd की क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं, तो आप BEd करना चाहते हैं तो BSc के बाद MSc की भी क्लासेस चलती है, और कौन कौन से सब्जेक्ट है तो हमको इसके बारे में बता दिए, उसकी क्या फीस है। देखिए विद्यालय जो है शुरू शुरू में MSc नहीं था यहाँ पे,
डिग्री थी, लेकिन 2018 में 3 विषय का एमएससी यहाँ आया है ना, एमएससी से यहाँ से 3 सब्जेक्ट आया है। कौन कौन सब्जेक्ट? कृषि प्रसार से एमएससी कर सकते हैं, और सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी से, और अभी हाल ही में हार्टिकल्चर से भी हुआ। ये तीनों विषय हैं और सुविधा है आपका, बढ़िया से आप यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, टीचर अवेलेबल रहते हैं हमेशा, विद्यार्थी आके पढ़ सकते हैं और कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। और सर बताइए कि वहाँ एमएससी का क्या फीस है, सेमेस्टर और टोटल एनुअल एक साल में कितना फीस आपको देना पड़ेगा कॉलेज को, तो उसके बारे में? देखिए दरअसल एमएससी की फीस जो है अन्य जगहों से ठीक है, यहाँ पे 15,000 सेमेस्टर लगभग है तीनों सेमेस्टर का, तो यही है फीस। फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, दूसरे कॉलेजों में तो बहुत अन्य अच्छा है, यहाँ पे कम फीस है। हाँ, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में। हाँ, और बीएससी का भी फीस बहुत कम है अन्य कॉलेजों से, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों से बहुत कम फीस है, 10,000 फीस है, और आप आराम से यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे हॉस्टल की भी सुविधा है, हम आपको हॉस्टल भी दिखाएंगे और कॉलेज का पूरा प्रांगण हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमारे पीछे जो दिख रहा है क्या क्या है सर? ये प्रशासनिक भवन है, जैसे यहाँ कार्यालय है, यहाँ पे सारा कार्य कामकाज होता है, कागजी काम जितना होता है यहीं पे होता है, तो यहीं पे होता है। प्रचार्य जी यहीं बैठते हैं, प्रचार्य जी हमारे बहुत ही अच्छे प्रचार्य हैं, सर उनका लड़कों से तालमेल बहुत उनका इजी रहता है। और उनका थोड़ा उनके बारे में कुछ बता दिए, प्राचार्य क्या 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 मतलब उनका नाम क्या है? और देखिए हमारे प्राचार्य लगभग समझिए कि इतने अच्छे हैं कि 2004 से लगातार वहाँ हैं प्राचार्य, जब से कॉलेज खुला है तब से वही प्राचार्य हैं। डॉक्टर हरिओम श्रीवास्तव उनका नाम है, और बहुत ही अच्छे हैं, सबको मिला जुला के टीचरों को चाहे विद्यार्थियों से एकदम फ्रेंडली जो है उनका संबंध रहता है। बाकी और भी जो यहाँ के शिक्षक हैं या फोर्थ क्लास के जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, क्लर्क लोग हैं, सबकी बहुत अच्छा तालमेल है, चूँकि हम लोगों को बहुत वो लोग मानते हैं और कोई असुविधा नहीं होती है हमें। जी तो आप लोग हम अपना पूरा कॉलेज दिखा रहे हैं, देखिएगा इधर आप देखिए, यहाँ पे सारे विभाग लिखा गया है, यहाँ पे बीएड संकाय लिखा गया, यहाँ पे एनसीसी विभाग भी है और भी सारे चीज़ें। देखिए पूरा प्रांगण देख लीजिए आप, यहाँ खेल का ग्राउंड भी है। अभी पिछले साल इसको अच्छा से किया गया था, लेकिन जब क्लासेस बंद होती हैं तो यहाँ पे हर साल जो है पौधे उगाते हैं। चौधरी चरण सिंह का जो जन्मोत्सव आता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है, उस सीजन में जो है यहाँ पे बहुत सारा खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, आयोजन किया जाता है। तो इस बार परीक्षा पड़ जाने की वजह से यह कार्यक्रम नहीं हो पाया बीच में, नहीं तो हर साल होता है। बहुत ही अच्छा लगता है, इनाम उनाम भी वितरित होता है, प्राचार्य जी इनाम दे। और सर यहाँ पे एनसीसी भी होता है क्या, और क्या उसकी सुविधा है, जो बच्चे एनसीसी करना चाहते हैं क्या यहाँ पे एनसीसी कर सकते हैं क्या? देखिए एनसीसी तो हाल फिलहाल बहुत जल्दी आया है, आप सुने होंगे कि सरकारी कॉलेजों में ही एनसीसी होता है। जी सर, ये तो मैं पहली बार सुना हूँ कि इस कॉलेज में मतलब सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में एनसीसी की सुविधा है। नहीं तो इस कॉलेज का इतना विश्वास है, सेल्फ फाइनेंस तो है लेकिन सारी प्रक्रियाएं सरकारी कॉलेज के जैसी है, तो इसलिए यहाँ एनसीसी लाया गया बच्चों की सुविधा के लिए। यहाँ क्षेत्रीय बच्चे जो हैं सेना में, आर्मी में, पुलिस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ सुविधा है कि वो लोग एनसीसी करके आसानी से भर्ती में जो है सम्मिलित हो सकते हैं, कुछ छूट भी मिलता है। तो यहाँ पे डॉक्टर संदीप मौर्य जो है एनसीसी के एनओ हैं, उन्हीं की देख रेख में सारा कार्यक्रम चलता है। और जो ये हॉस्टल का जो व्यवस्था है यहाँ पे, वो यहाँ के लोकल के यहाँ डॉक्टर पप्पू पांडे वही सब जो है मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनकी व्यवस्था जो है बहुत अच्छा है। बच्चों को यहाँ सुविधा हर तरह का प्रदान करते हैं, रहने का और बाथरूम सारा व्यवस्था है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। जी सर, और हॉस्टल का फीस क्या है बताइए, हम ये भूल गए थे। हॉस्टल का फीस देखिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जी सर, बहुत ही कम रखा गया है, मान के चलिए कि वही सेमेस्टर में 3,000 रुपया लिया जाता है, अगर उसको देखेंगे तो वही एक महीने का वही 500 रुपया लगभग पड़ेगा, मतलब एक रूम बहुत कम है एक तरह से देखिए तो लोकल की अपेक्षा। तो ठीक है, उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, बच्चों को समय समय से फीस देते हैं, नहीं भी देते हैं तो पप्पू पांडे जी बहुत प्रेशर नहीं देते हैं, कहते हैं आप लोग रहिए आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।